सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस के प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यक्ष अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ज़रा देखिए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये अंतःखंड के रूप में कोई रेखा होती है। तो यक्ष अक्ष पर अगर कोई बिंदु हम लेते हैं तो यक्ष अक्ष पे वाई का मान जीरो होता है। तो देखिए वाई का मान जीरो, तो अगर हम यक्ष का मान ए मान लेते हैं और वाई का मान जीरो, तो यक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ए जीरो हो जाएगा। तो यक्ष अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए यानी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है जिनकी रेखा यक्ष अपान 3 प्लस वाई अपान 4 इज इक्वल टू 1 से दूरियां 4 इकाई है। दूरी जो है 4 इकाई के बराबर है। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखें ये LCM हो जाएगा 12 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4x हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3y इज इक्वल टू हो गया 1 और फिर ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 12 को अगर हम बराबर के पहले कर दें तो -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इस रेखा की ए जीरो से जो दूरी है वो 4 के बराबर है प्रश्न के अनुसार। तो चलिए अब ए जीरो से दूरी निकालते हैं। तो ए जीरो से दूरी निकालने के लिए आपको मालूम है यक्ष के जगह पे ए रखेंगे, वाई के जगह पे जीरो रखेंगे और बटा करणी में यक्ष के गुणांक का वर्ग धन वाई के गुणांक का वर्ग। तो चलिए ये हो जाएगा 4a प्लस 3y के जगह पे 0 -12 अपान हो जाएगा अंडर रूट यक्ष के गुणांक का वर्ग धन वाई के गुणांक का वर्ग। तो यक्ष का गुणांक 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 4। क्योंकि एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, तो अब इकट्ठे हम यहाँ प्लस माइनस 4 कर देते हैं क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये दूरियाँ 4 के बराबर है। तो अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 4a और 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस हो गया 12 और ये देखिए ना 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। चूँकि यहाँ वर्गमूल निकाला गया है इसीलिए इसको हमने प्लस माइनस करके लिखा है। अब ये हो जाएगा 4a माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा। एक बार प्लस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं तो प्लस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 4a इज इक्वल टू माइनस 12 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 20 प्लस 12 32 हो जाएगा और फिर a की वैल्यू निकालेंगे 32 बाई 4 और 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 बटे 32 होता है, ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार बिंदु का जो निर्देशांक निकला a की वैल्यू 8 और y की वैल्यू तो 0 होगी। तो जब हम प्लस चिन्ह लेकर के सॉल्व किए हैं तो यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हमको 8 0 मिला हुआ है और अब हम माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। अब ये 4a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12 बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 12 माइनस 20 हो जाएगा और फिर ये
4a इजकल टू हो जाएगा माइनस 8, a इजकल टू हो जाएगा माइनस 8 बाई 4, यानी ये हो जाएगा माइनस 2, तो बिंदु मिलेगा आपको माइनस 2, 0। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यक्ष अक्ष पर हम वह बिंदु ज्ञात कर लिए 8, 0 और माइनस 2, 0 है, जिसकी रेखा इतने से जो दूरी है वो 4 के बराबर है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और समांतर रेखाओं में देखे फर्स्ट में दिया हुआ है 15x प्लस 8y माइनस 34 इजकल टू 0, और सेकंड में दिया है 15x प्लस 8y प्लस 31 इजकल टू 0। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है। अच्छा देखें, अगर एक समांतर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो पहली रेखा का समीकरण 15x प्लस 8y माइनस 34 इजकल टू 0 है, और जो ये दूसरी रेखा है इसका समीकरण 15x प्लस 8y प्लस 31 इजकल टू 0 है। तो हम एक काम करें, अगर 0, 0 मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से अगर इस रेखा पर लंब डाल दें और फिर मूल बिंदु से ही इस रेखा पर लंब डाल दें, ध्यान से देखिए, तो इस लंबाई में से अगर इस लंबाई को हम घटा देंगे तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 0, 0 से पहली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P1 है, और 0, 0 से दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P2 है, फिर P1 का मतलब ये दूरी और P2 का मतलब ये दूरी, तो P1 में से P2 को माइनस कर देंगे तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम P1 निकाल रहे हैं, 0, 0 से पहले वाली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और लंब की लंबाई ज्ञात करने का तरीका हमने बताया था कि यक्ष के जगह पर 0 रखेंगे, वाई के जगह पर 0 रखेंगे, और बटा करणी में यक्ष के गुणांक का वर्ग धन वाई के गुणांक का वर्ग कर लेंगे। तो चलिए ये है 15 × 0 प्लस 8 × 0 माइनस 34 अपान हो जाएगा करड़ी में x के गुणांक का वर्ग, यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हम कर देंगे 225 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। अब देखें तो P1 इज इक्वल टू ये 0 और ये 0, ये माइनस 34, डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए ऋण चिन्ह हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 34। और फिर ज़रा देखें इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, फिर ये हो जाएगा आपका 34/17, और ये कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो पहले मूल बिंदु से पहली रेखा के बीच की दूरी 2 है, अब इसके बाद अगर हम मूल बिंदु से दूसरी रेखा की दूरी P2 हम निकालें तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 15 × 0 प्लस 8 × 0 प्लस 31/√ वही 225 प्लस 64, ये हो जाएगा आपका √ 289। तो ये हो जाएगा आपका 31/17 हो जाएगा। तो अब चलें हम P1 में से P2 माइनस करें, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर d है तो ये हो जाएगा आपका
टू माइनस 31/17 सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 17 × 2 = 34, ऋण हो जाएगा 31/17 और फिर ये हो जाएगा 3/17 मात्रक हो जाएगा। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये माइनस ही लेंगे हम लोग, और जब टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे तो बाद में माइनस हटा देंगे। तो अब जो है अगर माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका -65। तो इस प्रकार देखें डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है, हमने जो पहले ही माइनस कर दिया, माइनस हटा दिया था, पहले नहीं हटाना चाहिए, लास्ट में हम लोग माइनस हटाएंगे। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 65/17 मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है इन दो समांतर रेखाएं, यहाँ भी देखिए एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, इस समांतर रेखा का समीकरण ये, इस समांतर रेखा का समीकरण ये है, तो इनके बीच भी दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो अगर हम यहाँ एल का मल्टीप्लाई कर दे तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इजकल टू जीरो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इजकल टू जीरो। अब जो है यहाँ भी हम एल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इजकल टू जीरो, ये हो गया समीकरण नंबर 2। एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इजकल टू जीरो। अब देखिए अब दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो वही काम करेंगे हम लोग, मूल बिंदु से पहले वाली रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और दोनों के बीच की दूरी हम निकाल देंगे तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए पहली रेखा, पहली दूरी को हम P1 मानते हैं, यानी 0, 0 से पहली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P1 है। तो हम निकालते हैं यल इंटू जीरो प्लस यल इंटू जीरो प्लस पी अपान हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका पी अपॉन 2L स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये यल हो गया, P1 की वैल्यू निकल गई। अब हम P2 की वैल्यू निकालें तो ये भी देखें 0, 0 से दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे, यल इंटू जीरो प्लस यल इंटू जीरो माइनस आर अपान वही हो जाएगा अंडर रूट 2L, यानी ये हो जाएगा माइनस आर अपान अंडर रूट 2L। अब हम दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो दोनों के बीच की दूरी डी हो तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। तो P1 की जो वैल्यू है ये है आपका पी अपॉन अंडर रूट 2L और माइनस, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट 2L और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पी प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2L। तो इस प्रकार दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो ये होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के समांतर, तो जब इसके समांतर कोई रेखा होगी ना तो समांतर रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों बराबर होगी, तो इसके समांतर कह रहा है, तो एक काम करते हैं इस रेखा की प्रवणता हम निकाल लेते हैं। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2 हो जाएगा, और पहले तो माइनस से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3/4x प्लस हो जाएगा 2/4। यहाँ रेखा की जो प्रवणता है वो 3/4 निकले,
अब देखिए क्या कहा जा रहा है, और बिंदु -23 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर इसके समांतर कोई रेखा होगी तो उस रेखा की प्रवणता वही होगी जो इस रेखा की प्रवणता है, और -23 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण तो आपको बताया गया था वाई माइनस वाई वन इजकल टू यम एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, वैल्यू रख देते हैं। वाई माइनस वाई वन थ्री, यम की वैल्यू है 3/4, एक्स माइनस एक्स वन माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा। अब इसके बाद चले हम सॉल्व करते हैं, तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4y-12 इजक्वल टू 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3x+6 हो जाएगा। चलिए हम 3x को इधर लाते हैं, तो -3x+4y, और फिर ये है आपका -12 और 6 भी इधर आएगा, तो -6 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -3x+4y और माइनस हो जाएगा 18 इजक्वल टू 0। अब हम माइनस से गुणा कर दें तो 3x-4y+18 इजक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये रेखा हमें प्राप्त हो गई, और ये वो रेखा है जो इस रेखा के समांतर है तथा बिंदु -23 से होकर के जाती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेखा यक्स -7y+5 इज इक्वल टू 0 पर लंब। अब याद रख रहिएगा इस पर लंब है, समांतर नहीं है, तो लंब है तो लंब रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। पहले इसको y इक्वल टू mx+c के रूप में करें, -7y इज इक्वल टू -x, और फिर हो जाएगा -5। फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7y इजकल टू यक्स प्लस 5, y की वैल्यू निकाले 1/7x प्लस हो जाएगा 5/7। तो इस रेखा की जो प्रवणता है वो 1/7 है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है इस पर लंब, तो लंब रेखा की प्रवणता निकाले। तो आपको मालूम है कि दो रेखाएं अगर परस्पर लंब हों तो इनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है, यानी m1। तो अगर इसको m इंटू m डैश इजकल टू -1 कर लें, तो अगर हमको m डैश की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो -1/m कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा -1/m यानी 1/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -7। तो लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई। और फिर कहा जा रहा है यक्ष अंतःखंड 3। जरा देखिए, यक्ष अक्ष पर अंतःखंड 3 है तो वाई का मान, यक्ष अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। तो इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, तो वाई माइनस वाई वन 0 इज इक्वल टू यम, यम की वैल्यू -7 है, और यक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू 3 है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इजकल टू -7x और +7 तरीके 21 हो जाएगा। हम -7x को बराबर के पहले ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x+y। 21 को भी हम बराबर के पहले ला देते हैं, -21 इजक्वल टू 0 हो गया। तो इस प्रकार उस रेखा का समीकरण हमको ज्ञात हो गया जो इस रेखा पर लंब है और यक्ष अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रेखाओं इतने और इतने के बीच कोण पूछा जा रहा है। तो जानते हैं अगर पहली रेखा की प्रवणता दो रेखाएं हैं
पहली रेखा की प्रवणता M1 और दूसरी रेखा की प्रवणता M2 हो और इनके बीच का कोण थीटा हो ना, तो टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है M1 - M2/1 + M1 - M2। हालांकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन चलिए हम पॉजिटिव करके ही सॉल्व करते हैं। इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है, तो इसको हम y = mx + c के रूप में करें, y = -√3x + 1 हो जाएगा। तो x का जो कोफिशियंट होगा वो m1 होगा, m1 = -√3। और फिर हम दूसरे वाले से करते हैं, ये है √3y = -x + 1, y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1/√3x + 1/√3। तो यहाँ से M2 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस हो गया 1/√3। अब देखें हम M1 और M2 का मान मालूम हो गया, अब हम इनके बीच का कोण ज्ञात करते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा = M1 -√3 और फिर हो जाएगा -M2, तो प्लस हो जाएगा 1/√3 और फिर ये हो जाएगा 1 + M1 - M2। M1 की वैल्यू है -√3 और M2 की वैल्यू है ये -1/√3, तो √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया tan थीटा = सॉल्व करिए, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 1/√3 और यहाँ देखें ये 1 आप +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर ये हो गया tan थीटा = 1 - 3 करेंगे तो ये -2 और नीचे है √3 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा = -1/√3। तो इस प्रकार आप देखें ये हो जाएगा आपका -1/√3 जो होती है ये tan 120 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा tan 120 और फिर जो है थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 120 अंश हो जाएगा, यानी दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वह 120 डिग्री के इक्वल होगा। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर एक हल्का सा फॉल्ट हुआ है, ये tan थीटा हम यहाँ पर माइनस और इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है और इस प्रकार जो है यहाँ पर हम चाहें तो tan थीटा हम tan माइनस 30 कर देंगे, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी -30 डिग्री, तो माइनस जो है माइनस साइन हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। अगर एक और वैल्यू हम यहां से निकालना चाहें तो tan थीटा देखें इसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, क्योंकि tan 180 माइनस 30 ये भी माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा tan 150 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो होगी 150 डिग्री होगी। तो चलिए यहाँ पर दोनों मान रख लीजिए, हम 90 के फॉर्म में लिखे थे, यहाँ 180 के फॉर्म में है, तो थीटा का एक वैल्यू 30 डिग्री या कह सकते हैं -30 डिग्री और दूसरी वैल्यू जो होगी वो 150 डिग्री के इक्वल होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं H3 देखें, H3 और 4-1 से होकर जाने वाली रेखा रेखा 7x - 9y - 19 = 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो H का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और ये रेखा
दोनों परस्पर समकोण पर मिलती हैं। तो जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर मिलती हैं ना, तो उनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो चलिए, पहले वाले की प्रवणता हम m1 मान लेते हैं और दूसरे की प्रवणता m2 मान लेते हैं। तो चलिए, m1 की वैल्यू हम निकालते हैं y2 - y1 / x2 - x1 1 - 3 अपान हो जाएगा 4 - h, यानी ये -2/4 - h। अब दूसरी रेखा के लिए देखें, ये -9y = -7x + 19। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। वाई की वैल्यू निकालेंगे 7/9x - 19/9। फिर यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट निकालेंगे m2 और ये हो जाएगा 7/9। अब जो है, ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब है तो प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू -2/4 - h है और ये 7/9 है, सॉरी m1 × m2 = -1 होता है। तो m1 की वैल्यू -2/4 - h × हो जाएगा 7/9 = -1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, फिर 9 × 4 = 36 और ये हो जाएगा 9h = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 14 = 36 माइनस हो जाएगा 9h। 9h को हम इधर लाते हैं तो 9h = 36 - 14। तो फिर 9h = आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 और फिर h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/9। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर, तो ये जो है 22/9 आया और आपसे h का ही मान पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन आपने देखा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।